घर में आ गया है कैप्टनसी कंटेंडर्स का टास्क और इसमें बहुत कुछ हो गया है। क्या हुआ है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। जैसे कि आज आपने प्रोमो देखा ही होगा कि हर कंटेस्टेंट के गले में किसी दूसरे कंटेस्टेंट का वहां पे फोटो दिया गया है। जैसे कि विशाल का जो फोटो है वो दिया गया है सिद्धार्थ को, रश्मि के पास है सिद्धार्थ का फोटो, पारस के पास है असीम का फोटो, असीम के पास है रश्मि का फोटो। ऐसे हर किसी के पास अलग अलग कंटेस्टेंट के फोटोज है। अब इनको ये करना होगा कि अगर वो उस कंटेस्टेंट को बचाना चाहते हैं तो वो उसे बचा सकते हैं, या फिर अगर इसको वहां पे कैप्टनसी कंटेंडर के रेस से वहां पर बाहर निकालना है तो वो वहां पर वो फोटो जलाकर उनको कैप्टनसी के कंटेंडरशिप के रेस से बाहर निकाल सकते हैं। अब बाकी कंटेस्टेंट जो होंगे, यानी अगर रश्मि के पास वहां पर सिद्धार्थ शुक्ला का फोटो है तो सिद्धार्थ शुक्ला को रश्मि को जाके मनाना होगा कि प्लीज आप जो है आप मेरा फोटो वहां पे उसमें मत डालिए। तो इस तरीके का ये एक अनोखा टास्क है। अब यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो सिद्धार्थ शुक्ला है वो विशाल का फोटो तो जला देते हैं, इसके साथ रश्मि सिद्धार्थ का फोटो भी जला देती है, इसके साथ हर कोई किसी का वहां पे जो फोटो है वो जला देते हैं। लेकिन बस तीन लोग वहां पे बचते हैं, एक पारस छाबरा जिनके पास है फोटो वहां पर असीम रियाज का, दूसरा असीम रियाज जिनके पास फोटो है रश्मि देसाई का, और तीसरी शहनाज गिल जिनके पास है फोटो पारस छाबरा का। लेकिन ट्विस्ट इतना बड़ा आ चुका है कि असीम रियाज और पारस छाबरा के बीच वहां पर तनातनी का माहौल दिख रहा है और इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण इनको बिग बॉस ने कुछ एक सजा दी है। अब ये सजा क्या है ये रिपोर्ट हमारे पास अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर बात की जाए तो अगर इन दोनों को भी कैप्टनसी कंटेंडर्स के रेस से बाहर निकाल देते हैं बिग बॉस, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीधे सीधे वहां पर जो है रश्मि देसाई वो कैप्टन बन जाएगी, या फिर अब इन दोनों के पास जो भी फोटोज है, यानी पारस छाबरा के पास अगर बात की जाए तो असीम रियाज का फोटो है, और असीम रियाज के पास बात की जाए तो वहां पर है रश्मि देसाई का फोटो, तो इन दोनों के फोटोज वहां पर बात किए जाए तो वहां पे सना के पास जो फोटो है पारस छाबरा का, तो पारस छाबरा वहां पर कैप्टन बन सकते हैं। अब कौन कैप्टन बनेगा यानी वो इनके सजा पे डिपेंड रहता है। जैसे मेरे पास न्यूज आएगी कि कौन कैप्टनसी के कंटेंडर बने हैं या फिर कौन कैप्टन बना है डायरेक्ट, अगर ऐसी कुछ न्यूज होगी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए कैप्टन, असीम रियाज, रश्मि देसाई या फिर पारस छाबरा, क्योंकि इन तीनों के ही वहां पे फोटो बचे हुए दिख रहे हैं। आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए कैप्टन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। इस पर कोई बड़ी खबर आने के बाद मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, तो जल्द से जल्द एक्ट राइडर्स को सब्सक्राइब करें, और भी न्यूज चाहते हो तो आप हमें @Rider06 यानी इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो देखते रहिए एक्ट राइडर्स, धन्यवाद।